दोनों ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, एक मुसलमान था, एक ईसाई था, एक हिंदू था, तीनों ने एक जगह काम करते हैं। तुमने कहा चलो मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, हम वैसे भी रूममेट हैं तो आपस में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपस में पैसे डालकर तीनों ने इज्तिमाई शिकल में एक मोटरसाइकिल खरीद ली। तो पहले दिन ईसाई ने कहा मैं ले जाता हूं, ठीक है आप ले जाए। वो ले गया जनाब, पेट्रोल डाला और अपने गिरजा ले गया, चर्च, और वहां जाकर उसने वो सलीब जो होती है ना उनकी क्रॉस का निशान, वो छोटा सा एक क्रॉस का निशान लाकर उसकी हेडलाइट पर लगा दिया कि जी मैंने अपने स्कूटर को क्रिश्चियन बना दिया। तो शाम को आया तो साथियों ने कहा वो तो आपने तो स्कूटर को जनाब क्या ईसाई बना दिया। दूसरे दिन हिंदू ले गया, वो अपने मंदिर ले गया, वहां से उसने वो टीका लिया जो यहां लगाते हैं ना, वो टीका उसके सलेब के साथ हेडलाइट के ऊपर लगा दिया, कहते तूने ईसाई किया था मैंने हिंदू बना दिया इसे। उसने उसे हिंदू बना दिया। शाम को वो आया तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा कमाल का आदमी है, एक दिन में उसको ईसाइयत से जनाब क्या है उसको हिंदू बना दिया। तीसरे दिन मुसलमान की बारी थी, उसने कहा मुझे तो इसको मुसलमान बनाना है। अब वो मस्जिद गया तो उसको कोई चीज नजर नहीं आए, मैं क्या लगाऊं इस पे, कोई चीज है ऐसी नहीं, कुरान को देखता है नहीं ये तो लगा नहीं सकता उसके ऊपर। खैर वो सोचता रहा, शाम को वापस आया, अभी वो मोहल्ले में दाखिल हुआ तो स्कूटर की आवाज आ रही है, बड़ी बड़ी आवाजें आ रही है। ये दोनों दौड़ते दौड़ते ईसाई और हिंदू बाहर गए तो देखा कि उस स्कूटर का सिलेंसर आधा खटा हुआ है, सिलेंसर है ना आधा काट दिया उसने, और जोर जोर से आवाजें आ रही है मोहल्ले में। उन्होंने कहा ये क्या किया, उन्होंने कहा जी तुमने इसको ईसाई बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने हिंदू बनाया, मैंने आज इसकी खतना करके इसको मुसलमान कर दिया।